हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2024 का पेपर सेकंड है ये, मानव संसाधन एंड प्रबंध। ये भी 70 नंबर का पेपर हुआ है एंड 25 मार्क्स जो हैं आपके पासिंग मार्क्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न की। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए, उनको हल करना है, सही उत्तर का चयन करना है। मानव संसाधन प्रबंध मानव के दृष्टि कौन से संबंधित है, यानी उसके अंदर क्या 4 ऑप्शन में से जो एक राइट टिक लगे वो आपको यहाँ पर सही करना है। इसके साथ में इंग्लिश भी आपको शो होती जा रही है। भर्ती की पद्धतियाँ है बास्केट प्रशिक्षण में शामिल हैं। निम्न में से कौन निष्पादन मूल्यांकन की पद्धति नहीं है? औद्योगिक विवाद निपटारे की मशीनरी हैं। खंड भी आ जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, ईच क्वेश्चन जो 7 मार्क्स है और 200 वर्ड्स में इसके आंसर देने होंगे। मानव संसाधन प्रबंध क्या है, यह क्यों अनिवार्य है? मानव संसाधन नियोजन क्या है, इसका महत्व बताइए। प्रशिक्षण का अर्थ एवं आवश्यकताएं समझाइए। निष्पादन मूल्यांकन क्या है, इसका महत्व बताइए। औद्योगिक विवादों से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक विवादों के निपटारे में श्रम संघ की क्या भूमिका है? अब अच्छा, तो सेक्शन बी, इसमें से 2 क्वेश्चन करना होते हैं और 500 वर्ड्स में लिखना होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का होता है, सॉरी, और 16 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। और किसी भी टाइप के और क्वेश्चन पाने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों एवं दायित्वों की विवेचना कीजिए। चयन क्या है, भर्ती एवं चयन में क्या अंतर है, चयन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर्मचारी प्रशिक्षण की प्रविधियाँ का वर्णन कीजिए। गुणानुसार मूल्यांकन विधि एवं ग्राफ मापन की विधि को समझाइए। मजदूरी का अर्थ क्या है, मजदूरी भुगतान की विभिन्न विधियों को समझाइए। और कौन सी पेपर चाहिए, और किस सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, इसके अलावा एमकॉम, एमएससी, एमए सभी के पेपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कोई क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।